म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में सेना और पुलिस की तरफ से हिंसा देखने को मिल रही है। बुधवार 3 मार्च का दिन सबसे हिंसक रहा। खबरों के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई में 38 और लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 28 फरवरी को इसी तरह की कार्रवाई में 18 लोग मारे गए थे। बुधवार को हुई हिंसा के बाद दुनिया भर में म्यांमार की सैन्य सरकार की आलोचना हो रही है। वहीं 19 साल की एक लड़की की भी काफी चर्चा है, जिसकी हिंसा के दौरान सिर में गोली लगने से मौत हो गई। म्यांमार की जानी मानी यूथ एक्टिविस्ट थिंजार सुनेली ई ने अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को एक मैसेजिंग ऐप के माध्यम से बताया, ये भयावह है, ये एक नरसंहार है। किसी भी शब्द से हालात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और ना हमारी भावनाओं को बयान किया जा सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इसे खूनी बुधवार कहा है। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र की राजदूत क्रिस्टिन श्रीनर बुर्गेनर ने कहा, देश भर से दिल दहराने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सुरक्षा बल गोलीबारी में लाइव बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1200 से अधिक लोग नज़रबंद हैं। कई परिवारों को नहीं पता कि उनके प्रियजन कहाँ हैं या किस हालत में हैं। अब तक की हिंसा में 50 लोगों की जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। युद्ध, हिंसा और अन्य प्रकार के संकटों में बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि जिन लोगों को बुधवार को मारा गया उनमें 14 और 17 साल के दो लड़के भी शामिल हैं। रेडियो फ्री एशिया ने रिपोर्ट किया है कि सैन्य ट्रकों के गुजरने के दौरान 14 साल के एक लड़के गोली मारी गई। सैनिक लड़के की बॉडी को ट्रक में लादकर ले भी गए। न्यूज एजेंसी AFP से एक मेडिकल स्वयंसेवी ने कहा कि मई ज्ञान में कम से कम 10 लोग जख्मी हुए हैं। इनका कहना है कि सेना आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट और लाइव बुलेट का इस्तेमाल कर रही है। इस हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ओला अल्मग्रेन ने कहा, कल म्यांमार के लिए एक दुखद दिन था। दर्जनों निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी मारे गए और कई और लोग घायल हुए। ये स्वीकार्य नहीं है। मारे गए लोगों के परिवारों और दोस्तों के प्रति मेरी सहानुभूति है। प्रतिक्रिया देने वालों में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस भी शामिल रहे। उन्होंने कहा, म्यांमार से खूनी झड़प और जानमाल के नुकसान की दुखद खबरें आ रही हैं। मैं इसमें शामिल अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे बातचीत से मामला सुलझाएं। वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि म्यांमार के लोगों की आकांक्षाओं को दबाया न जाए। बुधवार को हुई हिंसा के बाद म्यांमार की एक 19 साल की लड़की की काफ़ी चर्चा हो रही है। उसका नाम एंजल बताया गया है। खबरों के मुताबिक म्यांमार के मांडले शहर में सेना के खिलाफ मोर्चा संभालने वाली एंजल भी सुरक्षाकर्मियों की गोलियों का शिकार हो गई। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक एंजल के सिर में गोली लगी। हिंसा के दौरान ली गई उनकी तस्वीर ने विश्वभर में लोगों को झकझोर कर रख दिया है। एंजल ने जब मांडले में प्रदर्शन में हिस्सा लिया तो उन्होंने एक टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर लिखा था, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंजल को आशंका थी कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। बताया गया है कि इसीलिए उन्होंने अपनी जेब में एक पर्चा रखा था जिस पर उनका ब्लड ग्रुप, एक संपर्क नंबर लिखा था, साथ ही एक अनुरोध लिखा था कि अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे शरीर को दान कर देना। एंजल का एक और नाम कायल सिन भी था। सोशल मीडिया पर लोकतंत्र की खातिर उनके बलिदान की जमकर प्रशंसा हो रही है। उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। बीती 1 फरवरी को म्यांमार में सेना ने वहां की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया था। तब से म्यांमार की जनता सड़कों पर है। लोग अहिंसक और रचनात्मक तरीकों से तख्ता पलट का विरोध कर रहे हैं। सैन्य लीडरशिप ने इस जनविरोध को खत्म करने के लिए कई जतन किए। लोगों को डराया, धमकाया गया। इससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ा तो पहले प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, फिर नौबत रबड़ बुलेट्स चलवाने और लाठी चार्ज तक आ गई। यहां तक कि सड़कों पर तोपें उतार दी गईं। देश को छावनी में तब्दील कर दिया गया। फिर भी जनता नहीं मानी तो सेना अंधाधुंध हिंसा पर उतारू हो गई। बुधवार से पहले 28 फरवरी को भी सेना ने काफी खून खराबा किया था। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी डेविड। देखते रहिए दी ललन टॉक।